ये बात है उन दिनों की कि जब देश में कोरोना की महामारी चल रही थी, लोग अपने घर से बेघर हो रहे थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, और ऐसी ही कुछ हालत थी मुंबई में रहने वाली भूमि की। वो काफी टाइम से डिप्रेस थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे अपने घर के रेंट के लिए, बच्चों की फीस के लिए और दूसरे बिल्स को पे करने के लिए। और इसी डिप्रेशन की वजह से उसने एक सोशल मीडिया पे एड देखा कि जो था इंस्टेंट लोन ऐप का, कि जहाँ पे वो लोग आपको पैसे दे देते थे इंस्टेंटली और आप उस पैसे को 90 डेज में रिटर्न कर सकते हो। तो भूमि को 50,000 की जरूरत थी और इतना छोटा लोन कोई भी बैंक नहीं दे सकता था। इसी की वजह से उसने इस ऐप को इंस्टॉल किया और उसने सारी परमिशन दे दी और उसने वहां से 47,000 का लोन लिया और वो भी 35% के इंटरेस्ट रेट पे। तो जैसे ही लोन अप्रूव हुआ उसमें से 7,000 रुपए ऐप वालों ने प्रोसेसिंग फीस बोल के काट लिए और लोन लिए हुए भूमि को सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था और उसी के अंदर भूमि को लोन वालों की तरफ से कॉल्स आने लगे कि हमारा लोन रीपे कर दो और वो भी इंटरेस्ट के साथ। और एक दिन के अंदर भूमि को 50 से भी ज्यादा कॉल्स आने लगे अलग अलग नंबर से कि जिसमें उसको डेथ थ्रेट्स, गंदी गालियां और ह्यूमिलिएशन सुनने को मिलता। और ये चीज जब डेली होने लगी तो भूमि ने उसको कहा कि वो 2-3 दिन के अंदर लोन रीपे कर देगी। और इसी के चक्कर में उसने फिर दूसरे एप्स को इंस्टॉल किया और वहां से 8,000-7,000 ऐसी छोटी छोटी रकम की लोन लेने लगी। और फरवरी आते आते उसने 60 अलग अलग ऐप से लोन लिए पहली वाली लोन को ही चुकाने के लिए, और इन सबका मिला के जो टोटल अमाउंट हुआ था वो हुआ था 16 लाख रुपए। और फिर धीरे धीरे करके भूमि को उन दूसरे ऐप से भी कॉल्स आने लगे कि जिसमें उसको वही सेम चीजें बोली जाने लगी, और कई सारी ऐप्स ने तो उसको ये भी धमकी दे दी कि हम आपके सारे कॉन्टेक्ट को, आपकी बेटी और आपके फोटोज भेजेंगे और आपके उन फोटोज को साइट पे भी अपलोड कर देंगे। फिर 24 फरवरी को भूमि ने मालाबार के पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कंप्लेन भी लिखाई बट उसकी FIR रजिस्टर नहीं करी गई। ठीक उसके 2 दिन बाद उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली से उसको ये खबर मिलती है कि उसकी फोटोज सबके पास जा चुकी है और यहाँ से उसकी लाइफ एक अलग टेंजेंट पे चली जाती है। अभी भूमि की लाइफ पहले जैसी नहीं रही। वो लोग जो भूमि को एक माँ और बहन की नजर से देखते थे वही लोग आज उसको उस तस्वीर की नजर से देखने लगे कि जो उसके पास थी। और ये स्टोरी सिर्फ एक भूमि की नहीं है, ये स्टोरी उस हर एक इंसान की है कि जो ये लोन के ट्रैप में फंसा हुआ है, कि जिसने कभी ना कभी इन सारे ऐप से लोन ली है और वो किसी ना किसी तरीके से इसको रीपे नहीं कर सके और उनको यही सारी चीजों से गुजरना पड़ा। और इसी ट्रैप से निकलने के लिए काफी सारे लोगों ने एक आसान और एक घटिया रास्ता चुना कि जो था सुसाइड। और एक साल के अंदर 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसी लोन ऐप की वजह से। और इस लोन ऐप की वजह से एक ऐसा किस्सा सामने आया कि एक लड़की ने अपनी दादी का ही खून कर दिया क्योंकि वो अपनी दादी से गहने लेकर इस लोन के पैसों को रीपे करना चाहती थी। तो आखिर ये लोन ऐप भारत में चलते कैसे हैं और इन सारे ऐप के पीछे है कौन? वैसे तो ये सारे लोन ऐप चलते हैं भारत में बट इसका ओरिजिन है चाइना, क्योंकि चाइना में ऐसे इंस्टेंट लोन वाले ऐप के ऊपर बैन है और इसी की वजह से वो दूसरी जगहों पे जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसी जगहों पे अपने ऐप को एस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ पे उसी देश के हिसाब से उन ऐप का नाम रखा जाता है कि जिसकी वजह से वो जेन्युइन लगे। और ये जो सारे ऐप्स हैं वो चाइना की कंपनियां ही डेवलप करवाती हैं और उनका जो एड्रेस होता है वो दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान जैसी जगहों का होता है कि जिससे वो जेन्युइन लगे और इंडिया में वो लीगली बिजनेस कर सके। बट हालांकि ये एड्रेस भी फेक होता है। फिर वो भारत के कॉल सेंटर को हायर करते हैं एज अ रिकवरी एजेंट्स और यही एजेंट फिर लोगों को कॉल करते हैं, उनको धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं और यही एजेंट उनके फोन के डेटा को हैक करके उसके मोर फोटो बनाते हैं और वो उसके कॉन्टेक्ट में वायरल करते हैं। और ये सारे एप्स RBI से रेगुलेटेड नहीं होते जिसकी वजह से वो आपकी एक सेल्फी, आधार कार्ड और पान कार्ड के ऊपर आपको लोन दे देते हैं। और जो RBI से रजिस्टर्ड एप्स या बैंक होते हैं वो इजीली आपको लोन नहीं देते क्योंकि वहाँ पे एक पूरा KYC प्रोसेस होता है कि जहाँ पे आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको वेरीफाई करा जाता है और उसके बाद भी हफ्ते या 10 दिन के बाद आपका लोन अप्रूव होता है और वहाँ पे भी अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा हुआ तो। और ये सारी KYC प्रोसेस ना होने की वजह से ये एप्स आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं कि जिसमें आपके कॉन्टेक्ट, आपके फोटोज, आपकी सारी प्राइवेट चीजें उन लोगों के पास चली जाती हैं। फिर वो लोग इन सारी चीजों का यूज लोन रिकवरी के लिए करते हैं और एक तरीके से आप इनके सामने पूरे नंगे हो जाते हो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक चाइनीज इन्वेस्टर ने बोला है कि जिसकी खुद की एक ऐसी इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनी है। तो ये लोग आपके डर का नहीं, आपकी शर्म का यूज करते हैं क्योंकि भारत में इज्जत कमाना सबसे बड़ा हार्ड वर्क है और ये लोग आपकी इज्जत को सबके सामने रख देते हैं और ये सबसे पहले आपके कॉन्टेक्ट को कॉल लगाएंगे
जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन बुआ, और वहाँ पे वो आपके कैरेक्टर को इतना गंदा बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप उसके बाद भी नहीं माने तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है कि जिसमें ये सारे कॉन्टेक्ट होते हैं। फिर उसके अंदर आपके ऐसे ऐसे फोटोज भेजे जाएंगे कि जो आप खुद नहीं देख सकते, आपके घर वाले तो क्या ही देखेंगे। और यहाँ पे यही कॉल सेंटर चलाने वाले बंदे ने यह कहा कि तो ये जो इंस्टेंट लोन देने वाले एप्स हैं, वो पहले भी चलते थे और आज भी चली रहे हैं, बट ये सबसे ज्यादा एक्टिव हुए थे कोरोना के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास नौकरी नहीं थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे और घर से बाहर भी लोग नहीं निकल सकते थे, और इसी की वजह से लोग इन एप्स के सहारे अपनी नीड्स को पूरा करते थे। और जब इन एप्स की वजह से लोगों की जान जाने लगी, तभी हमारी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा एक्शन लिया इन चाइनीज एप्स के ऊपर, और हमारी गवर्नमेंट ने ये जो सारे इल्लीगल एप चल रही थी उन सबको बैन किया। बट अगर आज भी आप देखो तो प्ले स्टोर और एप स्टोर इन सारी एप से भरा पड़ा है, और ये एप्स अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते रह रहे हैं, जैसे कि लोगो नाम की, जिसकी वजह से उसको ट्रैक करना काफी हार्ड हो जाए और कोई भी एप प्रोवाइडर इसको बैन ना कर सके। और मैंने कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दी है कि जिसमें एक पूरी लिस्ट है इन सारे एप्लीकेशन की कि जो प्ले स्टोर और एप स्टोर पे अवेलेबल है, कि जिसको आप भी देख सकते हो और आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो कि आगे से कोई भी बंदा इन एप्स के चंगुल में ना फंसे। तो अभी इसके अलावा भी सॉल्यूशन क्या है, तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको पैसे की नीड पड़े तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड से ले सकते हो, और ये लोग अगर प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते तो वो आपको अलग अलग लिंक शेयर करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं, जैसे कि कोई व्हाट्सएप लिंक हो गई, या तो फिर कोई टेलीग्राम की लिंक हो गई, या तो फिर आपको डायरेक्ट वो मैसेज करते हैं कि आपकी लोन अप्रूव हो गई, यहाँ से आप अपनी लोन को विड्रॉल कर सकते हो। तो इन सारी लिंक के ऊपर भी कभी भी क्लिक ना करें, और अगर आपको मजबूरन लोन लेनी भी पड़ जाए तो आप ध्यान रखें कि आप RBI रजिस्टर्ड ऐप या बैंक से ही लोन लें, जैसे कि Amazon पे, बजाज फिनवर्स, टाटा कैपिटल, SBI योनो ऐप, और यहाँ पर भी आप उसकी सारी पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें। और अगर आप इस ट्रैप में फंस चुके हो तो आप क्राइम ब्रांच या तो फिर साइबर सेल में इसकी रिपोर्ट भी लिखवा सकते हो, क्योंकि अभी हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले रही है इन ही सारी एप्स के खिलाफ, तो आप अपने सारे सबूत लेकर वहां पे दे सकते हो कि जिसकी वजह से वो इन एप्स को बैन कर सके, ताकि दूसरे कोई लोग इसमें ना फंसे। और रिपोर्ट लिखाने के बाद भी पुलिस में कोई सुन नहीं रहा, या तो फिर उसके ऊपर एक्शन नहीं ली जा रही, तो आप सारे एविडेंस को ट्विटर पे अपलोड कर सकते हो, और वहां पे आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट और साइबर सेल को टैग कर सकते हो कि जिसकी वजह से वहां पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सके। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो इन सारे फेक एप से चौकन्ने हो जाए और आगे से कोई भी इन एप्स का यूज करके लोन ना ले, क्योंकि जिसने भी अपना परिवार का सदस्य खोया है वही जानता है इसकी कीमत क्या होती है, और आपका एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकता है। Thank you.